मेरे समाज में औरतों का ये रोल होता है कि वो सबसे ज़्यादा काम करती है, मर्दों से भी ज़्यादा वो काम करती है। मतलब खेत का तो वो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ वो घर का भी करते हैं, और जो मर्द लोग लेते हैं वो सिर्फ बाहर का करके आते हैं। मेरा नाम कविता है और मेरी उम्र 28 साल की है, और मैं एक्शन अगेंस्ट हंगर में काउंसलर की पोस्ट पर हूँ। मैं इस संस्था में पिछले 7 साल से जुड़ी हुई हूँ और अभी तक कर रही हूँ काम। लेकिन जो महिलाएं हैं वो सुबह से उठती है, हमारे यहाँ पर पानी भरने भी बाहर जाना पड़ता है, सारे चीज़ों के लिए बाहर से ही लाना पड़ता है। उनको सुबह से गोबर फेंकना, गाय ढोर बैलों को चारा लाना, जो भी हो वो सबसे ज़्यादा वर्क महिलाएं करती है। और हमारे यहाँ पर जो महिलाएं रहती हैं वो घर की बहू है, तो क्या होता है कि पहले पूरे परिवार को खाना खिलाएगी, फिर लास्ट में वो खाएगी, ऐसा होता है। मेरे समाज में महिलाओं को जो महीने का दिन होता है तब उनको 5 दिन तक घर से थोड़ा अलग रखते हैं, मतलब जैसे किचन में नहीं जाने देते हैं, खाना नहीं बनाने देते हैं, और उनको खुद के खाने के लिए भी दूसरे लोग ला के देते हैं, वो खुद से निकाल के नहीं खा सकते। और जब उनको पीरियड टाइमिंग होता है तो महिलाओं को घर का काम तो नहीं करना पड़ता है, पर खेत में जाके सभी प्रकार का काम उनको करके आना पड़ता है। हमारे समाज में लोग ये सोचते हैं कि अगर जब महिला को पीरियड आता है तो महिला थोड़ी अशुद्ध हो जाती है, तो वो खुद अशुद्ध रहेगी और किसी वस्तु या सामान को छूती है तो वो सामान भी अशुद्ध हो जाता है, फिर वो इस्तेमाल करने के लिए सही नहीं रहता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में महिला को फ्रीडम दे देना चाहिए कि उसको जो करना है वो खुद डिसाइड करे, जॉब करना है, सोशल वर्क करना है, घर का काम करना है, उसके ऊपर डिसाइड हो कि वो जो करना चाहे वो कर सके।